Hi everyone, welcome to Abhimanu IAS. My name is Rohit Garcha and this is To The Point. Abhimanu IAS is a platform which has more than 23 years of experience in UPSC and various PCS preparations, has given more than 2200 results since 1999. This is To The Point, जहाँ पे हम लोग प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स को कवर करते हैं. एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ चर्चा चलती है, कुछ बात चलती है, जिसके बेस के ऊपर प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एंड In case you wish to cover current affairs holistically, highly curated way में, highly curated form में कि there is no bullshit about it, सीधा to the point content आपको. The course is going on. It's a current affairs course for 23-24 and pre plus mains दोनों के लिए है. To the point series ये free series है आपके लिए, but ये वाली series it is for pre and mains. Goes in both online and offline form, and you get 7 days free trial, so you can check it out. Link is in the description. आज का जो हमारा टॉपिक है that is startup सेतु. देखिए, बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं हमारी इकोनॉमी को फायदा करने के लिए, और खासकर स्टार्टअप्स को लेकर बहुत सी हमारी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं और सेंस भी बनती है, बिकॉज अल्टीमेटली फॉर एन इकोनॉमी टू ग्रो A country must produce, whether it is services or products. Production जरूरी है, और इसके लिए क्या जरूरी है? Technology and know-how. इन सारी चीजों के अंदर एक जो barrier हमारे में आता है, that is the geographical barrier. कि if we want to connect to some other place or far away place, और वहां से हमने technology, knowledge जो है inherit करनी है, वो लेके आनी है, तो there is थोड़ा सा geographical barrier उस केस के अंदर. दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज कॉल्ड यूएस स्टार्टअप सेतु, या फिर एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ सेतु के नाम से भी आ सकता है. सेतु के नाम से और भी चीजें हैं, सेतु भारतम एटसेट्रा. अगर सिर्फ सेतु आ रहा है तो वो इस पर्टिकुलर चीज की बात करेगा, विच इज क्या चीज है ये देखते हैं. कि द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज लॉन्च द यूएस स्टार्टअप सेतु. यूएस, यहाँ पे यूएस कंट्री की बात करिए, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच का जो ज्योग्राफिकल बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है. राइट तो इसके ऊपर भी एक सवाल बन सकता है कि जो सेतु प्रोजेक्ट है ये किन किन दो कंट्रीज के बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर्स है, किन किन दो कंट्रीज के बीच में स्टार्टअप की नो हाउ को एक्सचेंज करने के लिए है. दैट इज यूएस एंड इंडिया. और जो चीज हमने यहां पे ध्यान रखनी है दैट इज कि किसने दिया है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है. ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज लॉन्च द यूएस स्टार्टअप सेतु. क्या इसकी फुल फॉर्म है? सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम. और वहां पे कहां बेस्ड है? ये बे एरिया ऑफ सैन फ्रांसिस्को. नॉट इंपॉर्टेंट, हमने बस ये देखना है अभी के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सेतु क्या कर रहा है? स्टार्टअप्स कनेक्ट कर रहा है. किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो प्रीलिम्स के अंदर जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो इसके राउंड बनने वाला है. नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा कि ये एक्चुअल में है क्या चीज. इट वुड कनेक्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया टू यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम लीडर्स. तो कनेक्शन इंडिया और यूएस के बीच में वहां के नो हाउ को लेने के लिए ये है, विद मेंटरशिप एंड असिस्टेंस इन वेरियस एरियाज. देखो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, विच इज वेरियस एरियाज. कौन से? इंक्लूडिंग फंडिंग, फंडिंग भी है इसके थ्रू, मार्केट एक्सेस एंड कमर्शियलाइजेशन. तो इसमें एक कमर्शियल एंगल, फंडिंग का एंगल भी इन्वॉल्व है, अदर देन नो हाउ ट्रांसफर. एम तो अभी हमने काफी चर्चा करी है इस पे कि टू ब्रेक ज्योग्राफिकल बैरियर्स बिटवीन मेंटर्स बेस्ड इन द यूएस दैट आर विलिंग to invest in entrepreneurship and sunrise startups in India. Literally एक portal है, एक entry point है कि if someone wants to invest in Indian startup, तो वो इस program के through जो कि Ministry of Commerce के अंडर चल रहा है उसके through कर सकता है. इसके portal का नाम MAARG portal है. All the interaction can take place through the mentorship portal under the Startup India. मार्ग जो पोर्टल है वो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर है, और ये वाला जो सेतु प्रोजेक्ट है वो इसके थ्रू ही चलेगा. MAARG, मार्ग, इसकी एक फुल फॉर्म है, वो देखते हैं अभी हम. This is how the portal looks. Apply to get a mentor, apply to become a mentor. So that simple it is. This is what I am talking about. Technological know-how को ऐसे use किया जाता है for productivity. मार्ग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. मार्ग क्या इसकी फुल फॉर्म है? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम इज अ मेंटरशिप पोर्टल अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव. हमने देख लिया था. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर योर प्रीलिम्स कि मार्ग पोर्टल इज अंडर व्हाट प्रोग्राम या कुछ भी इस टाइप का कुछ आएगा तो वो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है. स्टैंडअप इनिशिएटिव नहीं है, स्टार्टअप इंडिया. तो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग चीजें हैं, तो आपने ध्यान रखना है. तो अगर घुमाना चाहे तो बंदा वो यहाँ पे घुमा सकता है. द पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड विद द आइडिया ऑफ बीइंग एक्सेसिबल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री टू कनेक्ट विद अ मेंटर. यूपीएससी एस्पायरेंट से ज्यादा कौन समझेगा कि मेंटर की क्या अहमियत होती है किसी भी चीज में, किसी चीज को बिल्ड करने में, किसी चीज को आगे ले जाने में. The core of functions of MAARG are to improve ease of access, simple, use artificial intelligence for matchmaking, schedule meetings virtually, host master classes, provide a custom dashboard for relevant information, among others. छोटा सा टॉपिक है आज का. इसका इसके जो क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन बनता है वो ये है. आप एक बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं पॉज करके. आई विल प्रोसीड. Which of the following correctly explains MAARG portal? अभी हमने देखा तो आपको बहुत easy लगेगा, but otherwise just इसको इस तरीके से observe करो कि ऐसे type के topic के ऊपर, ऐसे type के portal या कुछ इस type की चीज के ऊपर सवाल कैसे बन सकते हैं. Correctly explains पूछा है. It is a highway listing portal under Ministry of Highways और Central Sector Scheme to revive Dandi March monuments. आप इसमें जरा सवाल घुमाया कह जाता है. अगर नहीं पता होगा तो यू कैन नॉट मार्क इट. सो वी नो द आंसर दैट इट इज इन मेंटरशिप पोर्टल अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव. सो दिस वाज टुडेज टॉपिक. माय नेम इज रोहित गर्चा. थैंक्स फॉर वाचिंग. दिस इज अभिमन्यू आईएएस.